तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम पढ़ रहे थे चार्जिंग बाय इंडक्शन और हमने यहां नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर लिया था बॉडी बी पर, और जो चार्ज इंड्यूस हुआ हमने उसका नाम दिया चार्ज इंड्यूस चार्ज, एंड जो चार्ज इंड्यूस कर रहा था जिसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हुआ वो हमारा क्या था, इंड्यूसिंग चार्ज। तो हम यहां कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां देखेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, और इंडक्शन मींस दैट प्रोड्यूसिंग चार्ज विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, प्रोड्यूसिंग चार्ज विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। यहां हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट है जो इंड्यूसिंग चार्ज है ये हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू होगा हमारा, सॉरी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इंड्यूस्ड चार्ज से। जो इंड्यूसिंग चार्ज है ये हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा किसे, इंड्यूस्ड चार्ज से। इंड्यूस्ड चार्ज से ये हमेशा ज्यादा होगा या फिर इक्वल टू होगा, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज अपोजिट इन नेचर, इंड्यूसिंग चार्ज पे कुछ बातें थी चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए, और अब जो थर्ड हमारा जो चार्ज है, चार्ज पैदा करने का तरीका है हमारा, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये जो हमारे जो चार्ज पैदा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट से होता है। चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। मैं एक इंपॉर्टेंट नोट यहां आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि हम यहां पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, तो नोट डाल लीजिए आप एक नोट में, फर्स्ट व्हेन चार्ज एट रेस्ट दैट इज क्यू एट रेस्ट एंड वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो पर, तो यहां ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, प्रोड्यूसेस only electric field। Number two, when charge at motion but
वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बट डू नॉट रेडिएट एनर्जी बट डू नॉट रेडिएट एनर्जी जो थर्ड पॉइंट है मेरा यहां वह चार्ज एंड मोशन एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरिएबल देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी तीन केस मैंने लिखा है पहला केस था हमारा चार्ज अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होगी वेलोसिटी जीरो है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा जो सेकंड जो मेरा है यहां चार्ज मोशन में है मोशन में है तो वेलोसिटी होगी लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है वेरिएबल है टाइम के साथ बदल नहीं रही है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा वहां एनर्जी इमिट नहीं होगी नंबर तीन जब चार्ज मोशन में है तो और वेलोसिटी वहां वेरिएबल है वेरिएबल मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी तो वहां एनर्जी ही आपकी इमिट होगी तो कुछ इंपॉर्टेंट तीन बातें मैंने आपको यहां नोट करवानी है आगे हम पढ़ेंगे चार्ज की यूनिट क्या है इसके डायमेंशन फार्मूले क्या होंगे ये स्केलर है या वेक्टर है क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं मैं यहाँ आपको सिंपल नोट करवा देता हूँ बाकी मैंने आपको पहले क्लासेस में बता चुका हूँ आपको यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज तो एस आई सी कभी इसकी यूनिट होती है हमारे कूलाम सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है स्पेक कूलाम प्रैक्टिकल यूनिट होती है इसकी फैराडे और इसका डायमेंशन फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं यहां करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम करंट के लिए डायमेंशन फार्मूला हमारा होता है ए टाइम के लिए हमारा होता है टी तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज हमारा यहां क्या आ जाता है हमेशा याद रखिए बहुत काम आने वाला फार्मूला है आगे हमारा यूज होगा नोट इट डाउन अब मैं आपको यहां कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाने वाला हूं चार्ज के रिगार्डिंग यहां चार्ज स्केलर क्वांटिटी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कोई डायरेक्शन नहीं होती इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सो दैट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी यहां है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, किस प्रकार से चार्ज को हम ऐड करेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो यहां यही बताया गया था कि चार्ज को हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसी विशेष रूल रेगुलेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। It means that charge can be added by the simple law of algebra. हम algebra के law से इसको add कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, ये मेरा कोई सिस्टम है जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस फाइव क्यू माइनस थ्री क्यू। तो नेट चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस फाइव क्यू माइनस थ्री क्यू, इट विल इक्वल टू पॉजिटिव टू क्यू चार्ज। तो ये क्या है प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दैट चार्ज कैन बी एडेड बाय द सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। इसको ऐड करने के लिए हमें कुछ नए नियमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर टू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपने छोटे क्लासेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, प्लस वन में आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, तो इसी प्रकार से प्लस वन में आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ चुके हो, इसी प्रकार से चार्ज का भी कंजर्वेशन किया जा सकता है या होता। देखिए कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कि चार्ज को हम पैदा नहीं कर सकते और ना ही इसको हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए से दूसरे ऑब्जेक्ट बी के ऊपर हम चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। देखिए किस प्रकार से होगा, भाई मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है मेरे पास, एक सिस्टम है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, ए और बी। ये ए ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहां हमारे पॉजिटिव फाइव, तो फाइव इलेक्ट्रॉन भाग चक्कर लगाएंगे इसके, ये हमारा मान लेते हैं हम ये सब लेफ्ट कर रहे हैं भाई लेफ्ट, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, बी से ए पर चला गया, ए से बी पर चला गया, कुछ भी कर देते हैं। तो ए से मान लिया हमने कहां चला गया इलेक्ट्रॉन, बी पर चला गया। तो शुरू में मैंने बताया आपको कि जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है वहां पॉजिटिव चार्ज, तो यहां ए पर कैसा चार्ज आया पॉजिटिव, बी पर कैसा चार्ज आया नेगेटिव, लेकिन इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो। देखिए क्यू इज इक्वल टू यहां पॉजिटिव वन है, यहां नेगेटिव वन है, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके बाद भी नेट चार्ज कितना रहेगा, जीरो रहने वाला है। लिख लो इसको आप, चार्ज कैन Neither be created nor be destroyed, but it can transfer from body A to B. That is
नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हमने यहां इस डायग्राम में देखा कि बॉडी ए से बॉडी बी के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन हमें ये कैसा पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? क्या वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं? फ्रैक्शन में हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं? फ्रैक्शन में नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? तो इसके लिए हमने चार्ज का क्वांटाइजेशन दिया। तो चार्ज क्वांटाइजेशन मींस क्या है? जो चार्ज ट्रांसफर होगा किसी भी बॉडी ए से किसी बॉडी बी के ऊपर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चार्ज ट्रांसफर from body A to B, what are it be? From body A to B is always integral multiple of fundamental charge. देखिए that is नेट चार्ज ट्रांसफर इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन, ई इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू फंडामेंटल चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। कुछ और पार्टिकल्स में चार्ज की वैल्यू आपको लिख देते हैं अपन और फिर इसको वाइंड अप करते हैं आज के लिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जीरो। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था भाई, चार्ज ऑन